नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत मथुरा की खबर के साथ। मथुरा में दंपति के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद दंपति को घायल भी किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता देगी, थाना हाईवे क्षेत्र गोवर्धन रोड श्री जी गार्डन 2 के पास दंपति के साथ लूटपाट का मामला सामने आया। दरअसल कृष्णानगर से स्कूटी से घर लौट रहे दंपति पर बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश महिला का सोने का मंगलसूत्र लूटकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने दंपति को रोड पर धक्का दिया और मौके से भाग गए। इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सतोहा पुलिस को भी महिला की ओर से तहरीर दी गई है। SSP अभिषेक यादव जिला अस्पताल पहुंचे और घायल महिला के हालात का जायजा लिया। मेरा नाम सुमित शर्मा है और हम लोग कृष्णानगर मेहता नर्सिंग होम से वापस लौट रहे थे, अब सिवासा स्टेट के लिए, अपने घर के लिए। और रतनलाल फुलकटोरी स्कूल के देखिए, अभी एक दंपति जो थे वो एक्टिवा के माध्यम से अपने घर जा रहे थे वापस। एक हॉस्पिटल पे गए थे, वो बच्चों की दवाइयाँ लेने वापस जा रहे थे। थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत रतनलाल फुलकटोरी स्कूल के पास। मथुरा में शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में लाता हुआ एक मामला सामने आया। दरअसल मथुरा में एक स्कूल में बच्चों के साथ जो है झाड़ू पोछा लगवाया जाता है। फरा ब्लॉक के अंतर्गत गांव हथियावली के प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करता एक वीडियो सामने आया है। दरअसल विद्या के मंदिर में जहां बच्चों के हाथों में कॉपी किताबें होनी चाहिए, वहां बच्चों के हाथों में झाड़ू थमा दिया जाता है। उनसे साफ सफाई करवाई जाती है, बर्तन धुलवाए जाते हैं, जिनके हाथों में उनके भविष्य को संवारने का जिम्मा होना चाहिए, वही बच्चों के हाथों में ये सब चीजें थमा रहे हैं। बच्चों की माने तो प्रधानाचार्य सीमा मैडम उनसे पैर तक दबवाती हैं, उनसे मालिश भी करवाती हैं और खुद फोन पर सारे दिन लगी रहती हैं। यहाँ का मूल निवासी हूँ। परसों मंत्री जी आ रहे थे, उस कार्यक्रम में हम थे, तो यहाँ हमारे विद्यालय में एक मैडम रहती है और वहाँ एक ही समुदाय के बच्चे पढ़ाए जाते हैं। तुमने देखा था ये? तो तुम स्कूल में ऐसे हत्यावली क्या घटना गई है? कुछ घटना नहीं है, छोरा सा आयो तो मैं अपनी बच्चे ने लेवे गई, तो माँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, वो बोली नहीं कैसे आयो। बुलेटिन में बाद मथुरा में उस कपड़े की दुकान की जहां पर अचानक आग लग गई। आग में कई सामान जलकर राख हो गया। शहर कोतवाली इलाका स्थित जिला अस्पताल के सामने रंगेश्वर मार्केट में बनी कपड़े की दुकान में देर रात करीब 3 बजे आग लग गई, जिसके बाद आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। वहीं इस आग में दुकान का सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस दौरान दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया। बुलेटिन में बाद वाराणसी में गंगा नदी के उफान की। दरअसल वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है, जिस वजह से यहां पर लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। काशी के सभी घाट और वहां स्थित मंदिरों के साथ ही शमशान घाट कई दिनों से डूबा हुआ है। गंगा अब घाटों से निकलकर सड़कों पर प्रवाहित होने लगी है, जिसके कारण सड़कों और गलियों में नावें चल रही हैं। वाराणसी में गंगा उफान पर है, मध्यरात्रि में गंगा ने खतरे का निशान पार कर लिया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जल स्तर रात में 12 बजे 71.29 मीटर पहुंच गया। बनारस में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जल स्तर रात में 12 बजे 71.29 मीटर पहुंच चुका है। बनारस में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, इस कारण तटवर्ती इलाकों में त्राहीमाम की स्थिति बनी हुई है। जलस्तर में बढ़ाव ने आम जनता की मुसीबत बढ़ा दी है। वहीं चंबल में उफान का असर बनारस में भी नजर आ रहा है। रात 9 बजे गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 71.26 मीटर से 6 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि 71.20 सेंटीमीटर पर बह रहा था। गंगा नदी के पुराने इलाके भी अब बाढ़ से घिरने लगे हैं, क्योंकि पानी सड़कों और गलियों में घुस गया है।
पानी से भरे मणिकर्णिका घाट की गली जहां नावें चलती नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर 80 और दशामेव मेघ घाट की सड़क पर भी यही नजारा रहा। भाई बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा आ गया है माँ गंगा में, क्योंकि मुझे लग रहा है बंधे वगैरह इतने ज़्यादा खोले जा रहे हैं जो बाहरों से, उसी कारण से माँ गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और पहले हम लोग वहाँ पे जाके फ्रंट पे देखते थे घाट पे, अब यहाँ पे मेन रोड पे दिखा रहे हैं, क्योंकि पानी बढ़ने की वजह से दिक्कत हो रही है और जाने भी नहीं दे रहे बिल्कुल भी, और यहीं से देखना पड़ रहा है। बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मेन चीज़ें वहाँ तक हम लोग को जाने ही नहीं दे रहे हैं, देखने ही नहीं दे रहे कि क्या है, कह रहे कि पानी यहाँ तक आ गया है, आप अंदर नहीं जा सकते बस। महोबा में अपहरणकर्ताओं की चूक का मामला सामने आया। दरअसल जिस शख्स को उठाना था उसकी वजह से किसी और शख्स का अपहरण कर लिया गया। अपहरण से जुड़ा नाकाम कोशिश करने वाला मामला चरखारी थाना क्षेत्र के सोहजना मार्ग का है, जहां असलाधारी अपहरणकर्ताओं ने महेंद्र नाम के व्यक्ति को भूलवश उठा लिया। जब उन्होंने मोबाइल से उठाए गए व्यक्ति की फोटो मिलाई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसके बाद उन्होंने पहले तो महेंद्र के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद महेंद्र को गाड़ी से उतार कर रफूचक्कर हो गए, जिसकी सूचना महेंद्र ने इलाके की पुलिस को मौके पर दी। इसी के साथ ही महेंद्र ने एक लिखित तहरीर देकर थाना चरखारी पुलिस से अपहरण की नाकाम कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अपहरण दिलीप का किया जाना था और भूलवश महेंद्र को अपहरणकर्ताओं ने उठा लिया। जब इसकी जानकारी उन्हें हुई तो उन्होंने महेंद्र के साथ मारपीट की और उसे गाड़ी से उतार कर भाग निकले। उसमें से चार लोग उतरे, तेजाब भी उतरा, वो पकड़ा मुझे मारपीट के, मतलब थप्पड़ मार के गाड़ी में बैठ के ले गए। फिर मेरे से पूछताछ की, फिर उसने उनने फोटो मिलाई, फोटो निकली दिलीप की, मुझे जाके नहर पे छोड़ दिया। कह रहे नहीं तुम्हारे लिए नहीं आए थे, हम दिलीप के लिए आए थे। कहीं दो तीन बंदूक थी, बंदूक थी उनके। अच्छा, नहीं तो जीतन से कोई आपका विवाद विवाद ना? मेरे जीतन से कोई विवाद कोई कुछ नहीं है उससे, कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कोई लेन देन कुछ नहीं है। अच्छा, आपने कोतवाली में क्या मांग की है? मैंने कहा कि मेरा इंसाफ हो मिले और उसके खिलाफ कार्रवाई की है या मेरी जान को खतरा। महोबा से प्रेमी जोड़े की आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद इलाके में इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है, हर कोई सकते में है। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र की कहानी है, जहां पर बमनोरा गांव निवासी सोनू और उसकी प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक प्रेमिका की शिनाख्त पूजा निवासी बंधान वार्ड की गई है, तो वही मृतक सोनू 11वीं का छात्र बताया जा रहा है। वही मृतका पूजा 10वीं में पढ़ाई कर रही थी। मृतक प्रेमी और प्रेमिका तकरीबन एक सप्ताह से घर से लापता थे, काफी खोजबीन की गई लेकिन प्रेमी प्रेमिका को नहीं ढूंढा जा सका, जिसके बाद अजनर स्थित एक मकान से जब भयानक दुर्गंध आने लगी तो पास के रहने वाले पड़ोसियों ने लोगों ने इसकी सूचना मकान मालिक को दी, जिसके बाद मकान का गेट खोलने पर दोनों की लाश फांसी पर झूलती नजर आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही इस घटना पर शक जाहिर किया जा रहा है। कानपुर से एक युवती का वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होते वीडियो में एक युवती युवक की जमकर पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो कानपुर जिले के कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के पास का बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवती किस तरह से युवक के साथ अभद्रता कर रही है। युवती युवक को पकड़कर पहले सड़क पर खींचती है, फिर थप्पड़ और घूंसे और फिर जमकर उसकी साथ मारपीट करती है। वीडियो में युवक गाली गलौज करते हुए भी नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले में जब पुलिस ने जानकारी चाही तो कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है, अगर तहरीर मिली तो कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से आशा कर्मियों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। दरअसल आशा कर्मियों के साथ गाली गलौज तक की गई।
खंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदाबाद, जहां पर आशा कर्मियों के सीयूजी नंबर पर फोन कर छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कई आशाओं को गाली दिया गया। मामले को लेकर आशाओं का एक समूह चौकी सैदाबाद में लिखित तहरीर देने पहुंचा, जिसके बाद लगातार जो इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से भी प्रतिक्रिया जारी है। आरोप लगाया गया है कि उनके सीयूजी नंबर की सूची ब्लॉक से कैसे बाहर आ गई और उन्हें जब फोन करके गाली दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई, उस मामले में अधीक्षक सैदाबाद सुधीर कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि दोबारा से अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। एक तरफ से जहां देखा जाए तो ये एक बड़ा मामला है, जिसमें महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, यहां तक कि उन्हें रेप थ्रेट्स भी दिए गए। तो मेरा नाम नीलम गौड़ है, मेरा घर कहरा है, मैं सैदाबाद ब्लॉक की आशा हूँ और सीयूजी नंबर सरकारी मिला हुआ है मुझे और मेरे फ़ोन 8:43 पर फ़ोन लगाया, मैंने उठाया कौन भैया, तो बोले कि मैं पंकज संघ सैदाबाद से बोल रहा हूँ, तुम नीलम हो? हम कहाँ सर, हम नीलम हैं। तो बोला कि PMY का फार्म। मेरा नाम सुनीता पांडे है। क्या मामला है आपका? मामला हमारा ये है कि हमें सरकार ने सीयूजी नंबर दिया है, तो उस नंबर पे क्या कहते हैं, वो नंबर मेरा ब्लॉक में डॉक्टर लोगों के पास या जितने ब्लॉक मेरे भी CPM BPM ANM आशा बहने सभी के पास मेरा नंबर है, तो उस नंबर से आज लगभग 8:47 पर मेरे पास फ़ोन आया, तो हमसे पूछता है कि तू आशा है, तू आशा। मथुरा में राधा रानी मंदिर की सेवा को लेकर विवाद देखने को मिला, जिसके बाद रास बिहारी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे हुए रास बिहारी नजर आए, जिसके बाद आसपास के इलाके में भी इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का मामला भी शांत नहीं हुआ कि बरसाना के प्रमुख उत्सव राधाष्टमी से पहले ही वहां भी अखाड़ा बनना शुरू हो गया है। श्रीजी मंदिर की सेवा के अधिकार को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। 6 माह के हिस्सेदार हरवंश की कथित पत्नी माया देवी और अखेराम थोक के सेवायत राज बिहारी के बीच सेवा को लेकर मामला न्यायालय तक पहुंचा। राज बिहारी कोर्ट के आदेश का हवाला देकर श्रीजी मंदिर की सेवा का चार्ज लेने के लिए मंदिर पहुंचे, मगर वर्तमान सेवाधिकारी माया देवी पक्ष ने उन्हें मंदिर में ही घुसने नहीं दिया। इधर झगड़े की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर में पुलिस बल की तैनाती कर दी। वहीं मंदिर में न घुसने और सेवा का अधिकार न मिलने से राज बिहारी और उनके पक्ष के लोग मंदिर परिसर में सफेद छतरी में ही धरने पर बैठ गए। राज बिहारी और उनके पक्ष के हरिओम गोस्वामी का कहना है कि न्यायालय ने उन्हें सेवायत मानते हुए सेवा करने के आदेश दिए हैं। मेरी सेवा पूजा को, जो मेरी सेवा पूजा विधिवत चल रही थी, जिसको छुड़ाया गया था, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गया था मैं। हाईकोर्ट के द्वारा मुझे न्याय मिला है और मैं अपनी सेवा पूजा लेने यहाँ पर आया हूँ। मैं प्रशासन से, मैं शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठा हूँ, मैं किसी से कोई झगड़ा करने यहाँ पर नहीं आया हूँ, प्रेमपूर्वक यहाँ बैठा हूँ और मैं प्रशासन से न्याय की मांग करता हूँ। और मेरे मंदिर पे भैया, मामला ये है कि हम श्री राधा रानी के सभी सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, अखेराम थोक के सभी हम लोग हैं, रास बिहारी गोस्वामी जो हम मुकदमा लड़ रहे हैं, सभी परिवार हैं इनके साथ, पूरा थोक है, ऐसा नहीं है जो क्या कि कोई अलग हो सिरारे, ये कोई भी जो बकरे वो सब अलग है सिस्टम हमारे लिए। यहाँ सेवा कर रहे थे हम, 27/4 से हमारी सेवा शुरू हुई। बुलेटिन के आखिर में बात प्रयागराज की, जहां दो पक्षों में रास्ते को लेकर विवाद देखने को मिला, जिसमें कि 9 लोगों के गंभीर घायल होने की बात सामने आ रही है। प्रयागराज जिले के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के मघई का पूरा रास्ते से विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। 2 दलित परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ ब्राह्मण भी शामिल थे, जिन्होंने पीड़ित परिवार को मारकर लहूलुहान कर दिया। दबंग राजू दुबे अपने साथियों के साथ रात 10 बजे योजना बनाकर दलित परिवार पर संबल से जानलेवा हमला करते हुए दिखाई दिए। दलित परिवार में 9 लोगों को गंभीर चोटें आई है। पीड़ित महिला रेखा का आरोप है कि गिरोह का सदस्य राजू दुबे पेशे से अपराधी है, इससे पहले हत्या और लूट जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। राजू दुबे जाली नोटों का भी कारोबार करता है। पीड़ित परिवार सराय ममरेज थाने पर लिखित शिकायत पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। हम लोग दुकान बंद के जा रहे हैं तो मालूम पड़ा कि घर पर केबल ले गए हैं यहाँ रोड से,
और वही वो लोग उनके मुन्ना हमारे चाचा हैं उनके रिश्तेदार उनका दामाद था उनका लड़का था और दारू पी करके उनका सीधा गाली पर देते हुए जा रहे थे और वही बल्ली तोड़ दिए। हम घर पर पहुंचे मेरे छोटे भाई था उससे पूछ गया बल्ली कैसे टूट गई लाइन चालू है और खेत में पानी है बाकी से अपराधी लोग हैं मंदिर में हत्या करने वाले राम शिरोमन जी और वही हत्या कराने वाले हमारे घर पर हमला बोले जान लेने के लिए और जो जान लेने के लिए तैयार हुआ वो जाली नोट चलाते हैं और रात में सोती रात में हमारे आदमी के मारा वो भागने के लिए उठा और सब सारे परिवार दौड़े देख। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।